अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, जो आज भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रही हैं महिलाएं। तो बड़ी खबर आपकी थी स्क्रीन पर, जहां महिलाएं राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि पदयात्रा को महिला शक्ति पदयात्रा का नाम दिया गया है। राहुल गांधी को आज यात्रा में बहन प्रियंका गांधी का सपोर्ट भी मिलता हुआ नजर आएगा। राजस्थान के बूंदी के तेजाजी महाराज मंदिर से ये यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज महिला शक्ति के नाम है। जहाज यात्रा में राहुल गांधी के साथ केवल महिलाएं चल रही है। प्रियंका गांधी और उनकी बेटी मिराया गांधी भी इस यात्रा में साथ चल रही है। दोनों ही रविवार की शाम को यात्रा में शामिल हुई, जहां आज आसपास के जिलों की महिलाएं भी यात्रा में पहुंची है। भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों राजस्थान में है। आज बूंदी के तेजाजी मंदिर से यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जहां यात्रा में महिलाओं की भारी भीड़ आज नजर आ रही है। तो बड़ी खबर जो है राहुल गांधी की, जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसमें आज महिला राहुल गांधी को नजर आएगा, जिसमें प्रियंका गांधी और प्रियंका गांधी की बेटी मियारा गांधी भी इस दौरान मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। ऐसे में जो आधी आबादी है उसे साधने की कोशिश लगातार कांग्रेस कर रही है। तमाम आम जन जीवन को किस तरह से अपने यहाँ पर कंट्रोल में करना है, किस तरह से कनेक्ट होना है, उसकी कोशिश यहाँ पर लगातार कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के तहत की जा रही है। बूंदी के तेजाजी से ये यात्रा अब एक बार फिर से नए सिरे के साथ शुरू हो चुके हैं, जहाँ महिलाएं राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई हैं। तो राहुल गांधी को आज यात्रा में बहन प्रियंका का भी साथ मिला है, और इसके साथ ही पदयात्रा को महिला शक्ति पदयात्रा का नाम दिया गया है। राजस्थान के बूंदी के तेजाजी महाराज मंदिर से ये यात्रा शुरू हो चुकी है, जहां अब हर जिले से होते हुए यात्रा आज का दिन क्योंकि महिलाओं के नाम कांग्रेस की तरफ से किया गया है।